हेलो जी हेलो जी हेलो जी क्या हाल चाल क्या हाल चाल सभी के क्या हाल चाल क्या हाल चाल है सभी के अरे लेट हाँ थोड़ा सा लेट हो गया थोड़ा सा लेट हो गया माफी कर देना थोड़ा सा लेट हो गया माफी कर देना क्या हाल चाल है सभी के क्या हाल चाल है सभी के मैं सही से सुनाई दे रहा हूं या नहीं क्या है ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये तो आवाज ही फट गई सही से एक सेकेंड तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक तो सेकेंड एक सेकंड हेलो 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 अब सही है हेलो 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 अब सही है अब सही है ना अब सही है ना आवाज अब भाई मेरे को पता ही नहीं चलता आदत ही नहीं है है ना अब सही है ना आवाज अब सही है भाई मेरे को पता ही नहीं चलता सो सॉरी जी सो सॉरी सो सॉरी अब अब हमारी आवाज जो है अब हमारी आवाज जो है अब हमारी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है अब हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर है ठीक है अब तो अब हम अब हम एक बार, एक बार बार देख लेते हैं कितने बच्चे आ गए हेलो जी हेलो आरुष हाय संचित हाय साक्षी हाय निर्मला हाय अनुज हाय साहिल हाय कीर्ति हाय एकता हाय अंकिता हाय वरुण हाय 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 रुद्र हाँ देव हाय गुलशन हाय लक्ष्य क्या हाल चाल है 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 डे नाइन पे पहुंच चुके हम किस पे पहुंच चुके हम डे नाइन पे पहुंच चुके एक्साइटमेंट नहीं हो रही मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा है भाई साहब नौ दिन नौ दिन कंप्लीट करने वाले हैं आज आज हम नौ दिन कंप्लीट करने वाले हैं हम तो डे नाइन पे आ चुके अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो थम्सअप कर देना अगर मेरा मुखड़ा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है तो थम्सअप कर देना फिर हम आज की इस कक्षा की शुरुआत करेंगे एक काम और आपके जो टेलीग्राम के भाई बहन हैं उनको भी बोल दें कि भाई आ जाओ आ जाओ यार आ जाओ आ जाओ कहां रुक गए हमेशा यार पीछे रह जाते हैं तो वहां पे भी डाल के एक बार बोल देते हैं कि आ जाए जल्दी से सभी तो ओ, ओके ओके अब हो गया अब हो गया सही है क्लियर है सब क्लियर है सब क्लियर है सब क्लियर है, है। हाय भैया जी हाय जी हाय गेम पलट दो गेम पलट दो भाई गेम पलट दो बस जनवरी खत्म होने वाला है जनवरी खत्म होने वाला है अब आने वाला है हमारा फेबर और फेबर में ही हमारे बोर्ड की परीक्षा भी शुरू होने वाली है मैथ्स तो हमने कंप्लीट कर ही दी है ना चौदह दिन में साथ साथ बैठ के बचे हुए आपके साइंस है और एस है आई होप वो भी आप साथ साथ में कर रहे होंगे के 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 ज्योमेट्री के, तो है? ठीक है? ठीक है? के टिप्स दे दो ज्योमेट्री के टिप्स क्या दे दो ज्योमेट्री तो पूरी खत्म कर दी हमने ज्योमेट्री पूरी खत्म कर दी देखो कुछ है ही, अरे है ही क्या आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पोलिनोम बहुत आसान चैप्टर बहुत आसान चैप्टर अगर आपने ऐसे पहाड़ खत्म करके हो ना अभी आप ट्राइंगल्स पढ़ के आए हो अभी हम साथ में पढ़ रहे थे चौदह दिन तक तो हमने ट्राइंगल्स खत्म करा हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा हमने भाई साहब सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म करा तो अगर वो पहाड़ है तो ये पॉलिंग ऐसे पत्थर है छोटा सा बस यू 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 खत्म करेंगे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ज्यादा डीप पे हम नहीं जाएंगे मैं फिर बोल रहा हूँ ये कोई ऐसा परफेक्ट आप ये बोल सकते हो कि पूरा फुल लेंथ लेक्चर नहीं है फुल लेंथ लेक्चर नहीं है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ उस पर हम जा रहे होंगे ज्यादा डीप के लिए हम पूरे कंप्लीट लेक्चर जब साल की शुरुआत होता है जब पढ़ रहे होते हैं तो अब क्या है अब हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज हम एस सच कोई मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बड़ी क्लास ना रखूं क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है बहुत प्यारा सा चैप्टर है जल्दी जल्दी से करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करके हम आज की कक्षा को भी समाप्त करेंगे फिर आप सोना कल हम शुरू करेंगे जो भी नया चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक ठीक है ठीक है जी ठीक है जी कोई दिक्कत कोई दिक्कत आप हो तो सब पॉसिबल है बिल्कुल यार तुम टेंशन मत लो यार तुम शोभित भैया पे बस विश्वास रखा करो शोभित भैया अगर आपके सामने खड़े हैं बस टेंशन नहीं लेनी जैसे जैसे बोले जा रहा हूं वैसे वैसे करते रहो चार साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे भैया के पास चार साल से हम लाखों बच्चों को देख चुके हैं सामने से जाते हुए दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं अब तो कॉलेज में चले चुके हैं बच्चे डीओ में जाके मिलते हैं तो यही बात है टेंशन नहीं लेनी निकल जाएगा है ना कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें अपने दोस्त वोस्त को बोल दिया करो यार आ जाए करें हैं कहां रह जाते हैं चलो शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज हम वापस से जो हर रोज लिखते हैं जो हर रोज हम याद दिलाते हैं अपने आपको वो है कि इस साल जो हमारा एम है वो है सौ बटा सौ लेके आना मैथ्स में और शोभित भैया अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो सौ नंबर कहीं नहीं गए तो अगर आपको मैथ्स में सौ बटा सौ लेके आने हैं तो आपको यहां पे ध्यान से पढ़ना होगा तो की शुरुआत करते हैं चैप्टर सबसे पहले यहाँ पेडिंग सौ बटा सौ हमारे मैथ्स में इस साल हमारा गोल है ठीक है शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं देखो मेन मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ऐसा ये नहीं कि भाई एल एक्सप्रेशन क्या होता है पोलिनोम क्या होता है ये क्या होता है वो क्या होता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास भैया

मैंने क्यों बोला इन एक्स है क्योंकि एक्स जो है वो इसमें वेरिएबल है एक्स इसमें वेरिएबल है वेरिएबल का मतलब क्या होता है भैया वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा 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 क्वांटिटी जिसकी हमें वैल्यू अननोन हो तो अननोन वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल और जो यहां पे ए और बी हमें दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब अनोन वैल्यूज तो यहां पे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ये एक पॉलिनोमियल है ये एक पॉलिनोमियल है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिमियल आर कि जाल जैसे मान लो टू एक्स प्लस थ्री ये एक पॉलिनोमियल है ये एक पॉलिनोमियल है फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे फोर एक्स ये भी एक पॉलिनोमियल है आप कहोगे भैया इसमें कॉन्स्टेंट टर्म तो है नहीं मेरे जान है ना प्लस जीरो जीरो भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है तो फोर एक्स भी एक पोलिनोमियल है मैं आपसे अगर बात करूं देखो यहां पे x की पावर क्या है वन यहां पे x की पावर क्या है वन अगर मैं आपसे क्या ये एक है है बिल्कुल पे जो x की पावर हो ना ये जो पावर है ये जो पावर होती है x की पावर या फिर इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट है ना ये जो पावर होती है इस पावर को हमेशा होल नंबर होना चाहिए अगर ये पावर होल नंबर है अगर ये पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोम होगा ठीक है तो पोलिनोम की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो बोल देना भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स उसको हम क्या कहते हैं पोलिनोम कहते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको कॉन्स्टेंट दिख जाए वेरिएबल दिख जाए उसे हम पॉलिनोमल कह देते हैं यहां पे ये यह पॉलिनोमियल है फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री ये भी एक पोलिनोमियल है अगर मैं आपसे बोलूँ ये पॉलिनोमियल है ये पोलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है यह पॉलिनोम अगर मैं आपसे बोलूँ एट एक्स की पावर सिक्सटीन प्लस फोर एक्स की पावर में फिफ्टीन प्लस नाइन एक्स क्या ये एक पॉलिनॉमियल है बिल्कुल कांस्टेंट और वेरिएबल जो है उनका कॉम्बिनेशन है तो ये एक पॉलिनोमियल है अगर मैं आपसे बोलूं एट एक्स की पावर में माइनस टू क्या ये एक पॉलिनोमियल है ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है होल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं जीरो वन टू से लेके आगे तक इन्हें हम होल नंबर कहते हैं तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव हो रही है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है ये हमारी बेसिक सी चीज़ है ये हमारा बेसिक सी नॉलेज है पॉलिनोमियल की एक चीज होती है एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिमिल क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिंग का मतलब होता है एक्स की हाइएस्ट पावर एक्स क्या है वेरिएबल तो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल की हाइएस्ट पावर जो होगी उसे हम क्या देंगे उसे हम क्या कह देंगे डिग्री कह देंगे जैसे यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है हमें वन मिल रही है तो डिग्री क्या है इसकी वन है यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है वन है तो यहां पे डिग्री क्या है वन है यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है टू है तो इसकी डिग्री क्या है टू है यहां पे एक्स की हाइस्ट पावर यहां थ्री है यहां वन है तो एक्स की हाइएस्ट पावर थ्री है तो इसका डिग्री थ्री है अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे एक्स की हाइएस्ट पावर मेरे को सोलह दिख रही है तो डिग्री सोलह है यहां पे तो डिग्री ऑफ पॉलिमल अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी चीज है एक्स की जो भी पावर है उसे हम डिग्री कह देंगे यहां भैया तो है ही नहीं तो इसकी डिग्री की क्या बात हुई गॉट 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 इट 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दुनिया वालों ने क्या करा दुनिया वालों ने क्या करा दुनिया वालों ने क्या करा, करा? पोरिनोम के कुछ पार्ट्स कर दिए पोरिनोम के पॉरिनोम के कुछ भाग कर दिए कुछ टुकड़े कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स भी करे थे वो हमारे ऐसा कुछ काम का नहीं है अभी हम डिग्री के काम के हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है उसके कुछ नाम कर दिया अगर डिग्री डिग्री है 2 है और डिग्री थ्री है इतना ही हमें पढ़ना है फोर तक भी हम पढ़ सकते हैं पर सच हमारा कुछ काम नहीं है डिग्री टू आपको पता है डिग्री टू आपको पता है डिग्री टू आपको पता है जैसे आपको आ गया ए एक्स स्क्वास प्लस सी इक्वल टू जीरो तो यहां पे डिग्री टू है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कह कह देते हैं इसे हम quadratic polynomial कह देते हैं क्यों क्योंकि इसकी डिग्री टू है तो डिग्री टू जिनकी होती है उनको हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं डिग्री थ्री जिनकी होती है जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये एक थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे हम कह देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल इसके नाम के तो आपका चैप्टर भी एक डिग्री वन जो होती है जैसे ए एक्स प्लस बी ये क्या है ये एक लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल है तो दुनिया वालों ने क्या करा दुनिया वालों ने क्या करा दुनिया वालों ने क्या करा कि डिग्री के बेसिस पे भाग कर दिए डिग्री के दुनिया वालों को क्या है ना दुनिया वालों को ऐसे बांटना बहुत अच्छा लगता है ना देश बांट दिए उन्होंने तो बहुत सारी चीजें बांट दी तो क्या है उन्होंने तो भाई साहब बहुत सारी चीजों को पोलिनोमियल दिखे इनको भी बांट दिया कि भाई डिग्री के डिग्री के चीजों पर बांट दो तो डिग्री बराबर वन अगर है तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री अगर टू है तो कॉल्टिक पॉलिनोमियल डिग्री अगर थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई ठीक है ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी इसके बाद अगर हम पढ़ें इसके बाद अगर हम पढ़ें तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ठीक इससे पहले कुछ नहीं है यार ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ऐसा कुछ काम की नहीं है बस आपको पता होना चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं ऑफ ये थोड़ा काम का है ऑफ जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है पी एक्स थ्री एक्स माइनस थ्री यह हमें दे रखा है यह हमें दे रखा है, है पॉलिनोम इसके जीरो या फिर इसके रूट रूट बोल देते हैं जीरो बोल देते हैं है ना सॉल्यूशन बोल देते हैं बहुत सारी चीजें बोल देते हैं जीरो या फिर रूट जीरो या फिर रूट उसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा एक्स की वो वैल्यू वो वैल्यू जहां पर या एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने से एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने से पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाए एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे पॉलिनोम जीरो हो जाए उसे क्या कहेंगे उसे हम कह देंगे रूट ऑफ या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोम जीरो ऑफ पॉलिम तो अगर इसकी अगर हम बात करें इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोम जीरो हो जाए x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो x की क्या वैल्यू रखूं x की अगर मैं वैल्यू इसमें मान लो जीरो रखूं जीरो रख दूंगा तो यह बन जाएगा थ्री इंटू जीरो मान लो एक्स की जगह जीरो रखा अब ये पी एक्स था अब मैं पी जीरो निकालू जीरो निकालूंगा तो मैंने क्या करा? करो माइनस थ्री तो ये तो जीरो माइनस थ्री जीरो, आ रहा है नहीं तो जीरो इसका आ, रूट नहीं है जीरो इसका रूट नहीं है अगर पी की जगह मैं वन रख दू पी की जगह मैं वन रख दू तो थ्री इंटू वन माइनस थ्री तो हम देख रहे हैं थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हम ये देख सकते कि हाँ वन जो है वन इसका एक रूट है वन इसका एक रूट है या वन इसका एक जीरो है इस पोलिनोम का एक जीरो क्या है वन है तो सिंपल सी बात होती है कि हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है एक्स की जिसमें ये पोलिनोम जीरो हो जाए जैसे जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम लें अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम लें एक और एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे कि टू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन बाई टू यह है और आपसे बोल दे इसके जीरो निकालो इसके जीरो निकालो इसके जीरो निकालो अगर आपको ये बोल दे तो आपका काम कुछ नहीं होगा आपको क्या करना है आपको एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे पीएक्स बराबर जीरो पुट कर दो तो माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो कर दो तो टू एक्स बराबर हो गया वन बाय टू ये वन बाय टू इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई वन बाय फोर तो एक्स की वैल्यू वन बाय फोर पे पॉलोम जीरो हो जाएगा तो ये इसका जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू तो वन बाई फोर इज द जीरो कुछ नहीं है कुछ नहीं है ना इजी कुछ है ही नहीं इसमें 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 अगर आपका लीनियर है अगर आपका लीनियर है अगर डिग्री वन है तो मैक्सिमम वन रूट मिलेगा मैक्सिमम वन जीरो मिलेंगे मैंने यहां पे मैक्सिमम क्यों लिखा मैंने यहां पे मैक्सिमम क्यों लिखा क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें हमें जीरो मिलेगा ही नहीं कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें हमें जीरो मिलेगा ही नहीं आएंगे बाद में आपको बताऊंगा तो मैक्सिमम एक जीरो मिलेगा अगर डिग्री टू है मतलब क्वालिटिक है अगर क्वालिटिक है तो मैक्सिमम मैक्सिमम हमें दो जीरो मिलेंगे मैक्सिमम दो जीरो मिलेंगे अगर क्यूबिक है अगर क्यूबिक है क्यूबिक है क्यूबिक है तो मैक्सिमम मैक्सिमम हमें तीन जीरोज मिलेंगे मैक्सिमम में

जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बाकी तो कुछ नहीं है यार इजी इजी मतलब निहायत ही आसान चैप्टर ये इसके लिए तो मतलब ऐसे कि ठीक है देख लिया पांच मिनट में ऐसे चले गए ये चैप्टर है पर वो पांच मिनट जब आप देख पाओगे जब आप शोभित भैया से ढंग से पढ़ पाओगे ठीक है ठीक है जी ठीक है आगे बढ़े तो x की वो वैल्यू x की वो वैल्यू भैया अगर x की कोई वैल्यू होती तो आज वो x नहीं होती पढ़ ले एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे क्या कह देंगे हम जीरो वैल्यू इसमें आपसे एक सवाल पूछूं मैं तो इफ वन जीरो मैं वापस लिख देता हूं आपके लिए इसको मैं वापस लिख देता हूं यह एक्स स्क्वायर था क्या भाई मैं ही बोल गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के हमारा पॉलिनोम ठीक है

पढ़ ले ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा एक लिमिट होती है लिमिट के बाद नहीं लिखी जाती है चीजें तो हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमें बताना है तो एक हमें पॉलिमियल दे रखा है किसमें एक्स में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो ये हमेशा ऐसे पी जिसमें भी दे रखा है कई बार आपको क्या दे रखा होगा वाई में दे रखा होगा जैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री तो इसको क्या लिखोगे पी वाई लिखोगे पॉलिनामियल इन वाई तो इसको पढ़ते है ऐसे है, देखो पॉलिनोमियल इन वाई ये क्या है पॉलिनोमियल इन एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स ये हमें दे रखा है इसको ऐसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन तो पॉलिनोमियल इन एक्स ये हमें दे रखा है ठीक है हमें बता रखा है वन जीरो इज टू जीरो का मतलब क्या होता है जीरो का मतलब क्या होता है जीरो का मतलब क्या होता है एक्स की वो वैल्यू वो वैल्यू वैल्यू जिसपे जिसपे पी एक्स बराबर जीरो हो जाए तो एक्स की वो वैल्यू जिसमें बराबर जीरो दे दे हो हो तो मतलब देखो पहले ब्रैकेट में एक्स था तो हर जगह एक्स लिखा हुआ था यहां ब्रैकेट में टू है तो बस एक्स की जगह टू पुट कर दो टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इक्वल टू जीरो समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया हमें बोला गया है कि टू रखने पे एक्स की जगह टू रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक्स की जगह मैं अगर टू रख दूंगा तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी बस मैंने रख दिया टू स्क्वायर हो गया फोर प्लस सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो तो के की वैल्यू यहां से सिक्स प्लस फोर टेन उधर जाएगा तो माइनस टेन तो के की वैल्यू हमारी माइनस टेन आ गई आ गई इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो आपको जीरोस पता चल गया जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोम फिनिश हो जाए पॉलिनोम एकदम जीरो हो जाए ठीक है पाँच सौ बच्चे शाबाश शाबाश शाब 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 शाब। थैंक यू सो मच यार मतलब चलो आगे बढ़ते हैं अभी आगे, आगे बढ़ते अभी इमोशनल नहीं होंगे तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलनोमियल की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलनोमल क्या होता है इसको ना यार देखो प्रूव करने अगर हम बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं बहुत दिमाग हम लगाएंगे हम पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे है ना एक इक्वेशन लेंगे उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर उससे मैं आपको बताऊंगा इतना टाइम नहीं है हमारे पास बोर्ड आ रहे हैं भैया जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होता है तो देखो 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 देखो, देखो। ये हमारा वाई एक्सेस ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस हमारा वाई एक्सेस ठीक है कोई एक ग्राफ कोई एक ग्राफ कोई एक ग्राफ कोई एक ग्राफ ध्यान से सुनना कोई एक ग्राफ एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस को जहां 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 टच या फिर इंटरसेक्ट करेगा टच करेगा तो भी मानेंगे इंटरसेक्ट करेगा तो भी मानेंगे करेगा उतने जीरोज होंगे उतने जीरोज या उतने रूट्स होंगे क्या मेरी बात समझ में आई कि कोई एक ग्राफ जैसे ये हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है हमें कोई एक पॉलिनामियल है पीएक्स उस पी एक्स का ये हमें ग्राफ दे रखा है ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ है हमें बताना है कि पीएक्स के नंबर ऑफ जीरोस बताओ हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो बताओ नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स, एक्स बताओ तो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस को जहां जहां टच करेगा वही उसके जीरोस हैं वैल्यू भी वही होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी वही होंगे तो एक तो यहां पे टच कर रहा है एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने जीरोस हो गए तीन जीरो हो गए सिंपल सी बात नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए तीन हो गए सिंपल सिंपल तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे तीन हो गए तो जहां जहां टच करेगा या जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोस होंगे जहां जहां टच करेगा अगर हमें बोल देता हमें यहां पे पता होता कि ये पे जो है इस पे एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है पे एक्स एक्सिस वन है और इस पे एक्स एक्सिस टेन है तो अगर मैं आपसे वैल्यूज पूछ लू तो वैल्यूज भी यही होंगी x बराबर माइनस थ्री इसका जीरो होगा x बराबर वन इसका जीरो होगा और x बराबर टेन इक्वल टू ये भी इसका जीरो होगा नंबर ऑफ जीरो समझ में आई मेरी बात समझ में आई मेरी मेरी बात बात समझ समझ में समझ में आई आई तो तो पॉइंट इज कि जितनी बार एक्सिस को टच करेगा या जितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे ठीक है ठीक है जी ठीक है जी भैया ऐसा क्यों हुआ देखो यार x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो हो जाती है और y ही px है अब ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे आप समझ गए ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां जहां टच कर रहा है आपको बता दे अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले बताओ बताओ ये दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दूं इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे इस पे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे

ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए तो ये है हमारा नंबर ऑफ जीरोस का concept. ये है हमारा नंबर ऑफ जीरोस का concept. जितनी बार जीरोप्ट को टच है इंटरसेक्ट करेगा टच भी मानना है देखो मैंने यहां पे टच भी माना मैंने इंटरसेक्ट भी माना दोनों मानना है ठीक है ठीक है जी तो लो एक सवाल करो सीबीएसई का ही सीबीएसई बी दो हजार इक्कीस का सवाल है ये सीबीएसई दो हजार इक्कीस का सवाल है ये जल्दी से करेंगे जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से करेंगे नाइन पॉइंट एट के आज तो भाई साहब बच्चे बढ़ नहीं कम नहीं बढ़ रहे हैं शाबाश भैया अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देख मेरी जान अगर तेरा अगर तेरा लीनियर है लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे ऐसे है टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना तो कैसे करता है तू तो? लीनियर मतलब डिग्री वन कैसे करता है ऐसे करके बनता है एक्स वाई एक्स की वैल्यू एक बार जीरो रखेगा जीरो रखने पे टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो ऐसे दे रखा है हमें ये लीनियर पॉल है इसका हमें ग्राफ बनाना है तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सिंपल सी बात है एक्स की वैल्यू जीरो रखेगा तो वाई की वैल्यू यहां से जीरो आएगी एक्स की वैल्यू वन रखेगा तो वाई की वैल्यू यहां से माइनस टू आएगी इस तरह से करके तू तो दोनों पॉइंट को प्लॉट करके लाइन बना देगा स्ट्रेट लाइन बना देगा एक्स बराबर जीरो का एक्स बराबर जीरो का प्लॉट बनना है वो भी कर देगा जहां पर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो रहे मतलब वाई एक्सेस तो लीनियर तो तू तो बना देगा क्वालिटिक जो है वो आपको इलेवंथ क्लास में बनाना सिखाएंगे ईजी होता है ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती पर आएगा नहीं मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा आपके बताओ क्या आंसर है बताओ क्या आंसर है यू हैव टू ऑप्शन ऑप्शन दे दू मैं आपको ऑप्शन दे दू एव डी सिक्स थ्री टू फाइव सिक्स थ्री टू फाइव सिक्स पोल डालते हैं पोल डालते हैं पोल डालते हैं है, है, बहुत दिन हो गए पोल डालते हैं पोल डालते हैं ए बी सी डी यू हैव फोर ऑप्शन ए बी सी डी यू हैव फोर ऑप्शन जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे जल्दी से दो पोल डाल दिया पोल डल गया जल्दी बताओ ओके जी दस हजार बच्चे लाइव आ चुके हैं आज भी अब देखते हैं आखिरी तक कितने बच्चे रुकेंगे देखते हैं कितनों की भीड़ छटेगी एंड तक शब शब शबा शब जल्दी 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 पोल का आंसर दो पोल में आंसर दो जल्दी, जल्दी 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 पोल में आंसर दो पोल में आंसर नब्बे परसेंट से ऊपर सही आंसर होने चाहिए नब्बे परसेंट से ऊपर नब्बे परसेंट से ऊपर सही आंसर होने चाहिए नहीं तो मैं बस क्या बोलूंगा मैं, मैं मार तो सकता नहीं यहां से वहां आके पर प्लीज यार प्लीज 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 जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा नाक कटवाते हो भाई नाक कटवाते हो तुम नाक कटवाते हो चिल्ला चिल्ला के चिल्ला चिल्ला के मैंने एक पॉइंट बोला चिल्ला चिल्ला के मैंने एक पॉइंट बोला बोला गया है? है तीन जगह करती है एंड टच कितनी जगह करती है दो अदर पॉइंट बोला है ना तीन जगह तो कट करती है और दो अदर पॉइंट पे टच करता है ग्राफ फाइंड नंबर ऑफ तो मान लो कुछ इस तरह से होगा तीन जगह तो कट कर रहा है मतलब मतलब यहां कट करा दूसरी जगह कट करा तीसरी जगह कट करा और दो अदर पॉइंट पे दो अदर पॉइंट पे टच भी कर रहा है मतलब कि ऐसे और ऐसे टच भी कर रहा है तो बताओ कितने नंबर ऑफ हो गए जीरो अब बताओ कितने नंबर ऑफ जीरो मतलब बढ़ भी नहीं रहे गलत भाई कितने नंबर ऑफ जीरो एक दो तीन चार पांच तो आंसर क्या है सी

तुम कहते भाई शोभित भैया के स्टूडेंट है गलत करके आ गए सिक्सटी एट परसेंट बच्चों ने गलत आंसर दिया सॉरी सॉरी भैया क्या तुमने कल भी एक गलती करी थी जो जो कल आए थे क्लास में उनको पता होगा कल भी एक गलती करी थी तुम सभी ने आज भी तुमने एक गलती करी अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा नाम अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा नाम ठीक है अब समझ में आ गया अब समझ में आ गया आंसर समझ में आ गया अब आंसर समझ में आ गया आंसर इज फाइव ठीक है जी ठीक है जी अब हम बात करते हैं आगे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं चैप्टर में ठीक है एक टॉपिक हमने उड़ा दिया एक टेपर टॉपिक था आपका जो नंबर ऑफ जीरोस वाला और क्या कहते हैं आपका ज्योमेट्रिक वाला जो था वो वाला टॉपिक हमने खत्म कर दिया अब हम आगे बढ़ रहे हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज तो यार बच्चे आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं शब बाश बा मेरी जान एक बच्चा बोल रहा है भैया टच तो वाई एक्स पे भी कर सकता है बोला गया ना कि एक्स एक्सिस का एक्स एक्स एट थ्री पॉइंट इट टच इज इट थोड़ी सी अंग्रेजी समझनी है बच कट द एक्स एक्स एट थ्री पॉइंट

बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यही है यही हमारा पॉलिनोमियल एक्स में दे रखा है पी एक्स हमें दे रखा है पी एक्स हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह हमें दे रखा है ठीक है अब बताओ अब बताओ कहा गया अब बताओ इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछ लू इसी पॉलिनोमियल में आपसे पूछ लू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कोइफिशियंट ऑफ एक्स बताओ और कांस्टेंट टर्म बताओ कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगी कोईफिशन्ट मतलब कोईफिशन्ट मतलब चिपका हुआ मतलब चिपका हुआ ऐसे समझो मतलब चिपका हुआ एक्स स्क्वायर से चिपकी हुई कौन सी टर्म है ए एक्स स्क्वायर से क्या चिपका हुआ है ए चिपका हुआ है एक्स से क्या चिपका हुआ है एक्स से क्या चिपका हुआ है बी चिपका हुआ है और बिना किसी वेरिएबल के कौन बैठा है कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट मतलब जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है क्या है सी है ठीक है ऐसे हम पता करेंगे मैं अगर आपसे पूछूं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इसमें पूछू एक्स स्क्वायर काफिशियंट क्या होगा आपका हो गया थ्री एक्स का कोफिशियंट क्या होगा माइनस सिक्स माइनस सिक्स है देखो प्लस बी एक्स है तो बी क्या यहां पर माइनस सिक्स है ये ये हम A कहेंगे इसे इसे हम बी कहेंगे बी माइनस सिक्स है और अगर मैं आपसे तो से आप से एक और सवाल पूछूर से से ये है टू तो कहो गया आप एक्स का कोफिशियंट क्या है भैया एक्स तो ही नहीं रहा मेरी जहां लिखा है ना देख जीरो प्लस जीरो तो का कोफिशियंट क्या, क्या है जीरो समझ में आ रहा है 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 इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछू इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछू टू आप रखा है इसमें आपका कॉन्स्टेंटम जीरो समझ में आ गया आपको बेसिक बेसिक समझ में आ गया ठीक है ये समझ में आ गया आपको हमें क्या करना है जीरो और कोफिशियंट का रिलेशन बताना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड एंड कोफिशंट तो मान लो इसके दो हैं एक जीरो है हमारा अल्फा एक जीरो है हमारा बीटा भैया अल्फा बीटा क्या है जीरो है, जीरो है जीरो मतलब कि पी पी ऑफ अल्फा भी जीरो होगा पी ऑफ बीटा भी जीरो होगा मतलब अल्फा अगर मैं यहां पे एक्स की जगह रख दूं तो ये जीरो हो जाएगी बीटा अगर मैं एक्स की जगह रख दूं तो ये पूरी जीरो हो जाएगी तो अल्फा बीटा क्या है अल्फा बीटा आर जीरोज तो मान हमने मान लिया बीटा आर लेट बीटा आर ऑफ बीटा हमने जीरो मान लिए भैया आपने दो ही जीरो क्यों माने भैया आपने दो ही जीरो क्यों माने क्योंकि मेरी जान क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल है अगर डिग्री टू है तो मैक्सिमम दो जीरोज मिलेंगे ठीक है तो ये जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं ये बात ध्यान रखना ये सिर्फ हम क्वारटिक के लिए पढ़ रहे हैं ये जो रिलेशन पढ़ रहे हैं रिलेशन कुछ ऐसा है बीच की जो बातचीत है कुछ ऐसी है वो ऐसी है कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस बी बाय ए के बराबर माइनस बी बाय ए के बराबर सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा माइनस बी बाय ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है वो होगा सी बाय के बराबर वो होगा c बाय ए के बराबर ये कुछ छोटा सा रिलेशन है रूट्स के बीच में जो हमें आगे पूरी जिंदगी काम आने वाला है दसवीं में जाओगे ग्यारहवीं में जाओगे बारहवीं में जाओगे भर भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें ये काम आना है क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक में अगर आपको यहां पर दे दिया जाए ए एक्स क्यूब तो ये नहीं है सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है ठीक है इस बात को ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं, अंग्रेजी में लिखूं, तो ये क्या गया? ये लिखा गया है ये ये लिखा लिखा गया गया है सम रूट्स। सम सम ऑफ 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 रूट्स, रूट्स, रूट्स को हम भी लिख देते हैं। ये क्या लिखा गया है ये लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ

अगर इतना ज्यादा हमें अंग्रेजी में याद नहीं रखना क्योंकि अंग्रेजी तो किसको ही याद रहती है तो सिंपल सी बात है एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बावल टू सी इट गॉट इट आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े एक छोटा सा सवाल करके बताओ एक छोटा सा सवाल करके बताओ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लल्लू सा प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं मैं फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स

माइनस वन बाय टू एक्स प्लस वन थर्टी प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो हमें दे रखा है और फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन हमें दे रखी है सेवनटीन एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन बाय टू एक्स इक्वल टू जीरो हमें दे रखा है यह हमें दे रखा है और हमें पांचों इक्वेशन में बताना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पांचवे इक्वेशन में बताना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दस हजार बच्चे शाबाश 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 देखते हैं एंड तक कितने बच्चे रुकेंगे देखते हैं आज कितने बच्चे धराशाई होंगे करो 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 बोलते ही सौ बच्चे चले गए बोलते ही सौ बच्चों की भीड़ चली ऐसे ही भीड़ छटती है ऐसे ही भीड़ छटती है ऐसे ही कंपटीशन जाता रहता है कर लिया जी कर लिया जी सर दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होता है तो दो फॉर्मूले की क्या जरूरत है मतलब एक बोल रहा है भैया आज मैथ्स का प्री बोर्ड था और क्वाड्रेटिक वीक है कोई बात नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक अगला कौन सा चैप्टर है हमारा पॉइंट के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन परसों क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा आपको मैं इकतीस जनवरी को मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूंगा आपको तो क्या टेंशन ले रहे हो भैया टीचर ने फेल कर दिया प्री बोर्ड में कोई बात नहीं यार बोर्ड को हमारे स्कूल वाले टीचर चेक करेंगे बोर्ड के अलग टीचर होते हैं बोर्ड के बाहर के टीचर चेक करते हैं ठीक है कैसे करेंगे भैया अरे इजी बीजी है यार इसमें बताओ इसमें बताओ ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है ए क्या होता है ए होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर काफिशियंट वन है बी क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स का कोफिशियंट माइनस सेवन है सी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म टू है तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस ऑफ बी बाई ए होगा माइनस ऑफ माइनस सेवन बाय वन तो, हो, minus minus तो हो गया माइनस सेवन अरे 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 माइनस ऑफ माइनस सेवन सेवन तो पहला हो गया सेवन पहला हो गया सेवन ठीक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ऐसे निकल गया हमारे इसमें अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का से क्या चिपका हुआ है माइनस वन चिपका हुआ है बी क्या है x से क्या चिपका हुआ एक्स तो है ही नहीं पे तो जीरो तो तो काम यहां पे अगर मैं लिखू एल्फा प्लस बीटा तो होता है B A, तो माइनस बी बायोग क्या है माइनस वन तो यहां से हो गया माइनस वन और एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा सी बाय

थर्टी प्लस रूट टू में ए क्या है एक्स थर्टीन इसमें अगर हम लिखे तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए तो माइनस ऑफ माइनस सेवनटीन बाय टू बावनटीन तो माइनस माइनस गया तो यहां पे सेवनटीन सेवनटीन क्या वन बाय टू एल्फा इन बीटा जो होगा वो होगा सी बाय सी बाई ए सी क्या है सी कॉन्सेंट टर्म कुछ है ही नहीं तो जीरो ट कुछ है ही नहीं ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है जी सर सेकंड का प्रोडक्ट माइनस टू है हाँ टू अपॉन माइनस वन टू अपॉन माइनस वन ये माइनस टू है ठीक है गोटेट गोटेट थर्ड क्यों नहीं हुआ थर्ड क्यों गलत हुआ थर्ड क्यों गलत हुआ क्योंकि क्वालिटिक है ही नहीं इट इज नॉट अ क्वालिटिक पॉल डरेटिक कॉर्डरेटिव quadratic. Quadratic, हमें बोला था ना हमने ये हमने बोला था कि ये जो रिलेशन हैं ये जो रिलेशन हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक में लगेंगे तो थर्ड वाला तो क्वारेटिक है ही नहीं तो हमने कैसे लगा दिया रिलेशन तो थर्ड के लिए रिलेशन नहीं है थर्ड के लिए और रिलेशन होते हैं आपके सिलेबस में नहीं है अभी आप इलेवंथ में पढ़ोगे है ना थी टेंथ में भी था बट वो हटा दिया उन्होंने नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें अभी हमारा काम है कि हमें एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना है ठीक है ठीक है कौन सा चैप्टर है शोभित भैया पढ़ा रहे हैं तो कुछ टफ होगा क्या शोभित भैया पढ़ा रहे हैं तो कुछ टफ होगा क्या निकालो इसकी वैल्यू अब आएगा मजा अब आएगा मजा सीबीएसई दो हजार पंद्रह का लल्लुएस्ट प्रॉब्लम सीबीएसई दो हजार पंद्रह का लल्लुएस्ट प्रॉब्लम आपको मात्र दो चीज बताई है मैंने याद रखने के लिए मात्र दो चीज बताइए याद रखने के लिए सम ऑफ समूट माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी बाय बस ये दो चीजें सारे सवाल होंगे बस ये दो चीजें सारे सवाल होंगे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए बस ये दो चीजें पता है तो जब भी क्वेश्चन लिखो ध्यान से सुनो मेरी बात यहां पे जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले ये दो रिलेशन तो लिख दो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे पॉलिनोमियल का ये दो रिलेशन तो साइड में लिख दो ये तो कहीं ना कहीं काम आएंगी तो इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो मेरी बात एक बात ध्यान रखना फिर से बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन करना बाद की बात है कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना क्या जब भी आपको पॉलिनोमियल दिखे और रूट्स की बात हो रही हो तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट एक ऐसी चीज है जो आपके पास रखी है जो आपके पास है तो उसका यूज करेंगे ठीक है तो इसमें डी इज योर ऑप्शन यू हैव टू आंसर इन पोल यू हैव टू आंसर इन पोल ए बी सी डी डाल दिया जी पोल डाल दिया डाल दिया पोल डाल दिया करो भैया दिख नहीं रहा लो जी लो लो जी लो और बढ़ा देते हैं लो लो पूरे बोर्ड पे चबा दिया करो पोल डाल तो दिया यार पोल डल गया है पोल डल गया है भाई पोल डल गया है पोल डल गया है जिसको पोल नहीं दिखता ना मैं आपको बताता हूँ जिसको पोल नहीं दिखता ना वो क्या करा करे वो क्या करा करे कि यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ देखो ऐसे इस पे जाके ना ये सेटिंग्स होगी यहाँ पे पोल यहाँ पे अरे भाई कहाँ जा रहा है ये अरे भाई एक तो लो बैटरी देखो लाइव चैट जहां पे दिख रहा है एक तो ये सीधर दिख रही है के साइड में ये जो सेटिंग्स है इसमें जाओ और ऑल मैसेज कर दिया करो ऑल मैसेज करोगे तो आपको पोल दिख जाएगा मेरे को भी नहीं दिखता था यार पता नहीं बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी 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 भैया कौन सी सेटिंग बिठानी है फोन की सेटिंग की बात कर रहा हूं थाना भाई अरे चैट में मत लिखो पोल करो पोल में लिखो एल्फा एंड बीटा आर बीटाज ऑफ द दॉलोमियल हमें दे रखी है ये Fx x minus x minus 4. इसके क्या क्या रूट दे रखे हैं एल्फा और बीटा जैसे ही मेरे को पता चल गया अल्फा बीटा रूट है मैं तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन ही आगे नहीं पढ़ूंगा मैं तो लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी माइनस बी मतलब माइनस ऑफ कोन अपॉन में वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की जो की वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस एल्फा बीटा ये निकालना है हमें कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे सिंपल सी बात है भाई देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है क्या करोगे बच्चा बच्चा देख के क्या कहेगा कि अल्फा बीटा तो पता है मेरे को माइनस फोर आएगा अल्फा बीटा तो माइनस फोर आएगा तो यहां पे तो इसकी जगह तो माइनस फोर लिख दूंगा तो माइनस ऑफ माइनस फोर लिख दूंगा पर मेरे को ये नहीं पता मेरे को वन अपॉन एल्फा वन अपॉन बीटा नहीं पता मेरे को वन अपॉन एल्फा वन अपॉन बीटा नहीं पता मेरे को सिर्फ एल्फा प्लस बीटा पता है तो क्या करेंगे छोड़ देंगे सवाल को नहीं यार एलसीएम ले लो ना यार एलसीएम ले लो बच्चे को भी बताऊंगा तो कहेगा एलसीएम ले लो तो एल्फा बीटा एलसीएम हो गया तो ऊपर बन गया बीटा प्लस एल्फा बन गया अब देखो ऊपर बन गया बीटा प्लस एल्फा इसकी वैल्यू पता है बीटा प्लस एल्फा की वैल्यू वन पता है अपॉन में एल्फा बीटा क्या होगा एल्फा बीटा में पता है माइनस फोर और ये प्लस फोर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया यहां पे भी एलसीएम ले लेंगे माइनस फोर ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस फोर एलसी हमने माइनस फोर एलसी माइनस फोर एलसी को ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी तो फोर माइनस वन बाई फोर कुछ ऐसे है ये फोर माइनस वन बाय फोर है अब समझ गए तो ये बन गया फोर कॉमन सोलह माइनस एक तो मतलब पंद्रह बटे चार तो पंद्रह बटे चार कहा ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ योर आंसर कितने बच्चों ने लिखा गलत इसमें भी सैतालीस कहां से तुम्हारा माइनस माइनस फिफ्टीन कैसे आया पहले ये बताओ माइनस फिफ्टीन कैसे आया तुम यार कहां से करते हो तुम सवाल को कहां से आ गया माइनस फिफ्टीन कैसे आ गया गलती से गलत पोल हो गया भैया गलती से गलती से ऐसे गलत सवाल लिखा हो ऐसे ही गलती से अगर वहां लिखा होगा फिर अगर गलती से नीचे माइनस फोर नहीं लिखा कहां पे नीचे माइनस नहीं लिखा अगर गलती से ही अगर गलती से ही गलत सवाल कराओगे तो क्या फायदा होगा वहां कोई ना वापस चेंज होंगे सवाल वहां कोई चेंज होंगे सोरी भैया से, से क्या होता है सोरी से क्या होता है सोरी से क्या होता है पेपर पे क्या करोगे अरे सॉरी सॉरी सर सॉरी सर माफ कर दो सर एक बार और चेक कर दो सर फिर से कर देता हूं तो पेपर को ऐसा कोई होगा वहां पे वहां पे तो जो लिख दिया हो गया बोर्ड एग्जाम में जो लिख दिया वो हो गया ये कोई कहोगे अरे यार 85 नंबर आ गए एक बार सर से पूछ के आता हूँ सर एक बार सॉरी बोल रहा हूँ एक बार और करने दो ऐसा कोई करने देंगे एक बार लिख दिया लिख दिया हो गया वो तो सूरी भैया चलो आगे बढ़ो तुम यार तुम मतलब तुम नाक कटवाते हो भाई तुम नाक कटवाते हो यार तुम नाक कटवा देते हो तुम नाक कटवा देते हो यार नाक कटवा दी ना, ना कट भाई साहब कटवा दी लिखो जल्दी लिखो इसे जल्दी लिखो गलत पोल हो गया भैया गलत हो गया एक बार हो गया अब दो बार दूसरी बार गलती तीसरी बार गलती कर रहे हो कल तुमने स्क्रीनशॉट लेके गलती करी आज तुमने पिछले पोल में भी गलती करी तुमने तीसरे पोल में भी गलती करी मजा ही नहीं आया भैया एक बार और पोल दे दो ऐसे नहीं होता मेरी बस एक एक मौका

इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फिर इन्हें एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं चढ़ाया पता नहीं मल्टीप्लाई कर देता है माइनस एट एक्स प्लस टू के प्लस वन ये है ठीक है ये है पॉलिनोमियल ये है पॉलिनोम <laughs> भैया कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो ये इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का क्लास चल रही है इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर बीटेक पढ़ा रहा हूं बीटेक बीटेक में आपके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चल रहा है क्वेश्चन समझो क्वेश्चन समझो देखो बोला गया है इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या पॉलिनामियल है यह पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू के प्लस वन अगर इसका वन वन जीरो एक जीरो मान लो इसके दो जीरो होंगे भाई quadratic है, quadratic है तो दो जीरो होंगे एक हो गया एल्फा एक हो गया बीटा हमने मान लिया एक हो गया, alpha, से करता बोला गया इफ वन जीरो जीरो जो है वो सेवन टाइम्स अदर है मतलब अगर एक एल्फा है तो दूसरा सेवन अल्फा है क्या यही बोला है पहली लाइन में Is seven times of तो अगर एक एल्फा है तो दूसरा सेवन एल्फा है एक एल्फा है तो दूसरा सेवन अब, अब यहां पे बच्चे हिल जाते हैं यार क्या करें भैया यार यहां तो कुछ लिखी नहीं रखा मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला जैसे ही मेरे को पोलिनोम और जीरो की बात होगी ध्यान से लिख लो ध्यान से लिख लो ऊपर छत पे लिख लेना ये बात जैसे ही पोलिनोम जैसे ही पॉलिनोमियल्स और जीरोस की बात होगी जैसे ही पॉलिनोमियल्स और जीरोस की बात होगी जैसे ही पॉलिनोमियल्स और जीरो की बात होगी एल्फा हो प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे यूज करेंगे तो हमारे क्या हुआ हमारा क्या हुआ हमारा क्या हुआ यहां पे रूट्स की बात हुई जीरोस की बात हुई जीरोस की बात हुई जीरोस की बात हुई जीरोस की बात हुई और पॉलिनामियल दे रखा है तो सिंपल सी बात है सम ऑफ रूट्स जो होगा वो हो होगा माइनस बी बाय के बराबर सम ऑफ रूट्स मतलब एल्फा प्लस सेवन एल्फा एल्फा प्लस सेवन एल्फा बराबर माइनस बी बाई माइनस बी मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऐसे लिखा करो हमेशा क्यों गलती हुई आपको पता है पिछले क्वेश्चन में क्योंकि आप माइनस एव बी को माइनस पहले बाहर नहीं निकालते ये है माइनस ऑफ अब बी रखो अब बी में नेगेटिव आ रहा है तो यह भी रखेंगे तो बी क्या है बी माइनस एट है तो माइनस ऑफ माइनस एट तो हमेशा ऐसे लिखो कैसे लिखोगे देखो एक तरीका लगा लो लिखने का माइनस ऑफ बी क्या बोला मैंने फिर से देखो जब भी आप लिखोगे सम ऑफ रोट्स तो वो होगा माइनस ऑफ बी अब लिखो बी ऐसा मत करो कि पहले देख लिया बी क्या है? बी माइनस एट माइनस एट लिख दिया माइनस ऑफ अब लिखो माइनस ऑफ ब्रैकेट लगाओ अब लिखो क्या है माइनस ऑफ माइनस एट अपन में क्या है थ्री तो यहां से आ गया एल्फा प्लस सेवन अल्फा वै तो से वै वै तो की वैल्यू पता चल गई तो एक अल्फा है तो सेकंड रूट क्या होगा सेकंड रूट क्या होगा सेकंड रूट क्या होगा एक अगर अल्फा है तो सेकंड रूट है सेवन अल्फा तो सेवन अल्फा आएगा सेवन इन वन बाय थ्री मतलब सेवन बाय थ्री तो वन बाय थ्री को सेवन बाय थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री कैसे हो गया अच्छा k की वैल्यू टू बाई थ्री है तो k की वैल्यू बता रहे हो अब k की वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है k क्या ये यहां पर k बचा हुआ है कांस्टेंट जो है वो k है कैसे निकालेंगे हम या तो हम इस रूट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे भाई जैसे ही मैं x की जगह वन बाई थ्री रखूंगा यहां जैसे ही मैं एक्स की जगह वन बाय थ्री यहां रखूंगा ये पूरी इक्वेशन जीरो होगी क्यों क्योंकि इसका रूट है कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो आप भाई इस इक्वेशन का ये रूट है इस इक्वेशन का ये रूट है मतलब कि अगर ये मैं इसमें रख दूंगा ये अगर मैं वन बाय थ्री एक्स की जगह रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन जीरो तो दो मेथड है या तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट कर सकता हूं कि एल्फा इंटू सेवन एल्फा जो होगा वो हो जाएगा सी बाय ए के बराबर की वैल्यू मेरे को पता है क्या वन बाय थ्री सेवन थ्री तो अपॉन में है? ए है थ्री। या तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा यहां से थ्री से थ्री जाएगा तो ये बन जाएगा सेवन बाय थ्री इक्वल टू टू के प्लस वन यहाँ सेक्वल टू हो जाएगा थ्री टू सिक्स के प्लस थ्री तो यहाँ से बराबर आ जाएगा यहां से

आप ये भी कर सकते हो जैसे आपने पिछले नहीं करा था एक सवाल जैसे आपने ये सवाल करा था देखो ये सवाल आपने करा था ना कि अगर इसका एक जीरो टू है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें के निकालना था अगर इस पूरी का एक जीरो कर दिया कि भाई जीरो टू है तो मतलब पी ऑफ टू जो होगा वो जीरो होगा मतलब एक्स की जगह टू तो रखते जीरो तो इससे भी के निकल गया वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं अब मैंने जीरो निकाल लिया ना इसका अब मैंने जीरो निकाल लिया ना इसका तो जीरो क्या है तो पुट जो p of by होगा, वो भी तो जीरो होगा। p तो प्लस टू के तो तो प्लस वन रह ये जीरो के बराबर हो जाएगा यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा थ्री से थ्री गया तो यहां वन बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री प्लस टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो यहां से अगर हम निकालेंगे के तो वह आएगा अपना टू बाय थ्री तो हम देख रहे हैं इस मेथड से करेंगे यह सेकंड मेथड है इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो के की वैल्यू टू बाय थ्री ये। ये आएगी मेरा नेट उड़ा है या क्या हुआ है सही है भैया कैन यू भैया आज भीड़ नहीं छट रही सही कह रहे हो नाइन पॉइंट नाइन सौ बच्चों की भीड़ गई है अभी तक ठीक है तो पॉइंट इज पॉइंट इज कि आप अब, अब देखो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना कुछ बच्चों का नहीं आया समझ में कुछ बच्चों को नहीं आया आ गया आ गया अरे बहुत दिमाग वाले यार तुम ये सब समझ में जाता है तुम्हें मेथड तो हमने पहले भी कर रखा है कि अगर अगर क्वेश्चन ये होता कि इस इक्वेशन का जीरो है वन बाय थ्री मान लो क्वेश्चन क्या होता कि इस इक्वेशन का एक जीरो है वन बाय थ्री तो के की वैल्यू निकालो ध्यान से सुनो क्वेश्चन हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू हमें जीरो दे रखा है वन बाय थ्री तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या करोगे की वन बाय थ्री रखोगे इक्वल टू जीरो करके के की वैल्यू निकालोगे वही तो करा है या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दोगे तो दोनों मेथड से आप करोगे दोनों से समझ में नहीं आया क्यों क्यों नहीं समझ में आया यार भाई देखो इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये तो आता है सम ऑफ रूट करा तो अल्फा की वैल्यू आ गई और दूसरा वाला सेवन है तो सेवन अल्फा तो फर्स्ट रूट इज अल्फा अल्फा सेकंड रूट 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 इज सम ऑफ 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 के बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगाया आंसर आ गया रूट लगाएंगे तो कै की वैल्यू आ जाएगी हो गया एक ऑप्शन ये भी है कि भाई हमें एक रूट पता चल गया ना तो अगर वो रूट मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी ना रूट का मतलब ये होता है जीरो का मतलब ये होता है कि उसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल में रखूं उसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल में रखू तो पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो मैं वन बाय थ्री को अगर इस पॉलिनोमियल में रखूंगा इस में की जगह रखूंगा, तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बस मैंने इसको सॉल्व करा हो गया आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ के

वो मैं में नहीं कवर करूंगा आपके तो जो भी वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो वाली चीज मैं क्वालिटिक में ही पढ़ाऊंगा ठीक है तो उसके एक दो क्वेश्चन है पे अभी छोड़ एनसीआर टी में अगर आएंगे तो मुझे वो कर लोगे समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बेसिक सी चीज है तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट ये में दे रखा पोरिनोम पीएक्स बराबर

क्या बोला गया सम ऑफ़ जीरोस इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट मतलब सी बाय टू है तो ये अपॉन में टू यहां आ गया मतलब ये तो मैंने यहां से काट दिया ए से ए काट दिया ए तो इक्वल कोली होगा तो ये हो गया माइनस टू बी इक्वल टू सी ये हो गया ठीक है ये ऐसे ही रहने दो अपॉन में टू ही रहन दो अब मैं माइनस ऑफ माइनस ऑफ बी क्या है माइनस ऑफ माइनस के प्लस सिक्स समझ रहे हो अब क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे करके क्यों मैं ऐसे लिखता हूं बार बार माइनस बी मतलब माइनस ऑफ अब देखूंगा माइनस के प्लस सिक्स इक्वल टू इक्वल टू सी क्या है टू टाइम्स टू के प्लस वन अपॉन में टू तो टू से टू कटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो के प्लस सिक्स इक्वल टू टू के प्लस वन तो यहां से यह दे गया फाइव बराबर के के की वैल्यू आ गई आपकी पांच सात के की वैल्यू सेवन सेवन कैसे आ गई सेवन कैसे आ गई सेवन सेवन या फाइव कहां गलती करी है मैंने कहा मैंने क्या गलती करी है एक सेकंड रुको अच्छा टू के माइनस वन है यहाँ पे ओ हो हो मैंने ऊपर से यहाँ लिखने में गलती कर दी ये माइनस वन है ये टू के माइनस वन है यहाँ पे टू के माइनस वन है तो यहाँ पे टू के माइनस वन होगा बस टू के माइनस वन होगा तो यहाँ पे अगर ये माइनस वन होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पे सेवन के की वैल्यू आ गई सेवन ठीक है ऊपर माइनस था हाँ यहाँ माइनस था मैंने नीचे लिखने में प्लस वन लिख दिया गॉट इट गॉट इट इजी बीजी इजी बिजी इजी बिजी कुछ नहीं है कुछ नहीं है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है अब सीबीएसई थोड़े इस तरह के सवाल पूछ रही है अब सीबीएसई थोड़े इस तरह के सवाल पूछ रही है ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है यार छोटा सा चैप्टर है हमने कितनी एक घंटा होने वाला पर... तो है हमें पर अरे भाई अभी तो है अभी तो है अभी तो है थोड़े बहुत क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जल्दी जल्दी देखते हैं ओगी भैया लेट हो गया सॉरी कोई बात नहीं जी यार वो ओगी वाली आवाज़ फिर से निकल नहीं पा रही क्या था वो मेरे को अब याद नहीं आ रही है बताओ यार इसमें हम पी एक्स इक्वल जो एक्स स्क्वायेर माइनस सिक्स एक्स प्लस के कुछ ऐसा ही था ना यही थी कि पीएक्स बराबर एक्स स्क्वा प्लस माइनस सिक्स एक्स प्लस के अब नहीं निकल रहे भाई अब तो निकल ही नहीं थी नहीं निकल रही ना वो सी दिन आ रही थी यार पता नहीं क्या नशे थे क्या थे वो मेरे x2 6x k अगर इसमें हमें अल्फा और बीटा ये दो जीरो दे रखे हैं तो अल्फा बीटा हमारा बराबर px x2 6x k है इसके हमें दो जीरो दे रखे हैं एक है अल्फा एक है बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सोज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 आ रही है नहीं आ रही है नहीं आ रही अब अब नहीं आ रही ना अब नहीं अब नहीं आ रही यार उस दिन आ रही थी बस अब वो, अब आई नहीं थी पता नहीं क्यों आ, हाँ, उस दिन ही आई थी भाई वो उस दिन ही आई थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस के इस इक्वेशन में हम करेंगे अब नहीं हो रहा ओके भाई अब ये नहीं हो पा रही रिटर्न नहीं हो पा रहा यार नहीं हो पा रहा जाने दो भैया दो अब हाँ ये बन रही है भैया मंत्र नहीं है मंत्र मत पढ़ो यार अब वो अब नहीं हुआ भाई भैया गले में से निकालो तो और कहां से निकाल रहा हूं भाई कैसी बातें कर रहे हो भाई <laughs> कम नहीं हो रहा यार ओगी का कम नहीं हो पा रहा तो एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द वैल्यू ऑफ के पॉलिनोम स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी जब भी वापस से आता हूं मैं इस पर जब भी मेरे को पोलिनोम और उसके रूट की बात करूंगा जब भी पोलिनोमियल और उसके रूट की बात करूंगा जब भी मैं पोलिनोमियल और उसके रूट की बात करूंगा मेरे दिमाग में आएगा सब भाड़ में जाए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए ये तो मैं साथ में लिख ही लूंगा ये तो मैं साइड में लिख ही लूंगा जब भी मेरे को पॉलिनोमियल और रूट की बात करेगा जब भी मेरे को पॉलिनोमियल और जीरोस की बात करेगा तब क्या करेंगे हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को साइड में लिखी लेंगे ठीक है काम आइना आए, मैं तो लिख लूंगा माइनस ऑफ बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस सिक्स बाय ए क्या है सिक्स सी बाय सी बाय मतलब के ए वन. तो इक्वल टू के ये पता चल गया हमें हमें अब की वैल्यू पता करनी है मेरे को प्लस पता है, एल्फा, बीटा पता है, और एल्फा प्लस बीटा टू सिक्स के पता है इसको कैसे यूज़ यूज़ मैं? मैं? कैसे यूज़ करूंगा मैं? देखो देखना ध्यान से देखना मेरे को अल्फा प्लस बीटा टू सिक्स पता है क्या पता है मेरे को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरे को सिक्स पता है दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा देखो जब भी ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आएंगे ना आपका काम हो जाएगा बोथ साइड से हमेशा ध्यान रखना में जब भी ऐसे आड़े टेढ़े सवाल आएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड से तो काम बन जाएगा तो आपने क्या करा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर सिक्स का स्क्वायर तो ये खोलेंगे एक से मैं तो तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू एल्फा बीटा इक्वल टू छत्तीस अब हमें पता चल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे यूज कर लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया है तो 40 प्लस टू टाइम्स अल्फा बीटा क्या बीटा है अल्फा बीटा अल्फा बीटा है के के बराबर इक्वल टू 36 तो टू के बराबर आ गया यहाँ पे माइनस फोर तो के की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस यहां से के की वैल्यू आ गई माइनस ठीक है ठीक है भैया क्वेश्चन में जीरोस की स्पेलिंग रॉन्ग है पता नहीं यार वही मैंने कौन सा लिखा है तो मैंने कहीं सा स्क्रीन शॉट लिया सी बी एस सी कहीं सवाल है आगे बढ़े आगे बढ़े इजी बीजी कुछ नहीं करना था बस स्क्वायरिंग बोथ साइड बोथ साइड करा लगाया फॉर्मोल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह चालीस रखा आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस इफ एल्फा एंड बीटा आर दीरोज ऑफ पॉलोम है ये ठीक है ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इसका हमें अल्फा और बीटा क्या है दे रखे है हमें इसके हमें ये रूट्स दे रखे हैं मतलब कि कोई एक पॉलिनामियल एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी इसके हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं रूट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रूट्स हमें निकालना एल्फा माइनस बीटा क्या होगा ये हमें निकालना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कल मैथ्स का प्री बोर्ड है बेस्ट ऑफ लक जी भैया आई हैवेंट स्टडीड पढ़ ले यार फिर भैया अगर आलू के पराठे हम खा लेंगे तो आलू क्या खाए पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कर लो तुम यार तुम तुम मेरे को तुम मेरे को मास्टर नहीं समझते ना बिल्कुल भी तुम समझते हो यार इनसे तो वजह लेते रहे है ना मेरे को मास्टर नहीं समझते ना करें आगे करें आगे करें आज तो यार भाई साहब आखिरी तक नाइन पॉइंट सिक्स के बच्चे रहो भाई इसी जोश के साथ लगे रहो अच्छे लाओगे अच्छे नंबर लाओगे पक्का मेरी दुआएं हैं तुम सभी के साथ तो एल्फा एंड बीटा आर ऑफ था इसके हमें जीरो स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी। ठीक है इसके हमें जीरोज दे रखे हैं जैसे ही मेरे को पॉलिनोमियल जीरो की बात आएगी मैं तो लिख दूंगा एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और एल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए मैं तो ये लिख देता हूं जब भी मेरे को और एल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैंने क्या बोला था जब भी आड़ा टेढ़ा सवाल आए जब भी आड़ा टेढ़ा सवाल आए स्क्रिंग बोथ साइड्स कर दो स्करिंग बोथ साइड्स कर दो जब भी आड़ा टेढ़ा सवाल आए स्करिंग बोथ साइड्स कर दो स्करिंग बोथ साइड्स कर दो तो हमने क्या यहाँ यहां इसका स्क्रिंग बोथ साइड्स कर दिया तो अल्फा, बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का होल इक्वल मेरी जान अगर मैं आपसे पूछू मैं आपसे अगर पूछू सिंपल सा एक आंसर बताना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो अगर इसी क्वेश्चन मेंल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा को मैं मिला के एल्फा माइनस बीटा का लिख दूंगा और जैसे मैं इसको एल्फा माइनस बीटा का लिख दूंगा मेरे को एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी क्या बोला मैंने फिर से देखो

क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे को अगर मेरे को कहीं से माइनस टू एल्फा बीटा और मिल जाता तो मैं एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस टू एल्फा बीटा जो मेरे को मिल रहा है उसको यूज करके उसको मैं माइनस बीटा का स्क्वायर बना देता तो अगर मेरे को माइनस टू एल्फा बीटा चाहिए तो मैं लिख देता हूं माइनस टू एल्फा बीटा पर खाली माइनस टू एल्फा बीटा लिखूंगा तो कैसे बात बन जाएगी जो मेरा मन करेगा लिख दूंगा मेरी चल रही है यहाँ नहीं 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 अगर मैं माइनस टू एल्फा बीटा लिख रहा हूं तो मेरे को प्लस टू एल्फा बीटा भी यहां पे लिखना पड़ेगा भाई मान लो यहां पे फोर लिखा है फोर में मैं मैं माइनस टू कर दू मेरी चल रही है अगर तू माइनस टू कर रहा है तो प्लस टू भी कर क्यों क्योंकि माइनस टू प्लस टू तो कटके तो फोर ही रहेगा ये इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आई मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने अपनी सहूलियत के लिए माइनस टू एल्फा बीटा और प्लस टू एल्फा बीटा सेम क्वांटिटी को एड सब कर दिया सेम क्वांटिटी को एड सब करने पे पूरी इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता कोई असर नहीं पड़ता माइनस टू प्लस टू करूंगा इस पूरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा वो तो कट के फोर ही आएगा पर मेरी सहूलियत के लिए मैंने माइनस टू एल्फा बीटा प्लस टू एल्फा बीटा करा टू एल्फा बीटा को अट्रैक्ट क्या कहते हैं और सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या करा मैंने एडिंग एंड सब्टिंग टू एल्फा बीटा ऐसे नहीं कर देते हम रेश करने के लिए कि फोर अपॉन रूट टू है तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं रूट टू बाई रूट टू कर देते हैं क्या इससे मैंने फोर अपॉन रूट टू को कुछ हानि पहुंचाई नहीं पहुंचाई क्योंकि ये तो कट के बनी रहेगा तो इसलिए मैंने इस पूरी इक्वेशन में माइनस और एड एड सब्रैक्ट सेम क्वांटिटी को करके कोई हानि नहीं पहुंचाई तो हानि नहीं पहुंचाई पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए कर लिया क्यों क्योंकि अब मैं इसको इसको और इसको यूज करके किस किस को इसको इसको और इसको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं मैं इन तीनों को यूज करके लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर

c बाय ए बन जाएगा ये तो ये तो प्लस फोर सी बाय ए है ठीक है इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा ये इधर हो गया तो ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा मतलब c बाय ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाय ए ये हमारा आंसर हो गया अल्फा माइनस बीटा गॉट इट ये हमारा आंसर हो गया अल्फा माइनस बीटा इट ठीक है यस आई गेव राइट आंसर ठीक है ठीक है यहां तक तो सबको समझ में आया था एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबको समझ में आया था प्लस टू अल्फा बीटा भाई इसको हमने इसको लिखा इसको हमने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को ये लिख दिया मैंने सेम क्वांटिटी को एड सब करा क्यों क्योंकि इसको इसको और इसको यूज करके मैं इसको अल्फा माइनस बीटा का ऑल स्क्वायर लिख सकता हूं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा जो होता है उसको मैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं लिख सकता हूं प्लस फोर एल्फा बीटा यहां पे बच गया क्योंकि मैंने ये ये दोनों चीज बच गई यूज तो सिर्फ ये तीन हुई थी ये दोनों बच गई तो प्लस फोर एल्फा बीटा बन गया अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई है इधर चली गई तो बी स्क्र बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाय ये हमारा आंसर हो गया ओवर वट इज सहूलियत सहूलियत मतलब मेरे मेरे को आसान करना था ना क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना था तो मैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सहूलियत ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं यार अपनी क्या बोले सहूलियत ही बोलता हूं यार तो <laughs> तो अगर आपको अब देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन समझो जब भी आपको जब भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात आएगी जब भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात आएगी डिफरेंस बिटवीन रूट्स की बात आएगी डिफरेंस बिटवीन रूट्स की बात आएगी जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन रूट्स की बात आएगी तो आप क्या करोगे एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को स्क्स बीटा में कन्वर्ट कर लोगे स्टेप्स में ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार सीबीएसई अब इस तरह के सवाल पूछ रही है वो कहती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है आपको सम ऑफ रूट्स आता है आपको बताओ क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा तो कुछ नहीं होता बस जो सम ऑफ रूट्स है उसको स्क्वायर करो स्क्वायर करके डिफरेंट ऑफ रूट्स निकाल लो ठीक है जी हाँ, अपने कंफर्ट के लिए अपने कंफर्ट के लिए जिससे कि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए तो मैंने सेम क्वांटिटी को ऐड सब ट्रैक कर दिया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है इजी टॉपिक है जल्दी से खत्म होगा अगला जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ अ पॉलिनोम हम एक पॉलिनोम बता रहा है बना के दिखाना है कैसे बनाएंगे मान लो हमें गिवन है मान लो हमें गिवन है मान लो हमें गिवन है कि सम ऑफ फ्रूट जो है वो हमें दे रखा है ठीक है हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कुछ दे रखी है और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू दे रखी है सम ऑफ रूट्स हमें एस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है हमें बोल दिया उन्होंने कि सम ऑफ रूट्स एस है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है है ठीक देन देन इक्वेशन विल बी या विल बी अगर आपको ये दोनों क्वांटिटी दे रखी है तो आप एक पोरिनोमियल फॉर्म कर सकते हो वो क्या होगा वो होगा एक्स स्क्वाइनस एस एक्स प्लस पी ये है फॉर्मूला इसको कई जगह कई जगह आपको ना ये ऐसे मिल जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ये दिख जाएगा कई जगह k क्योंकि k क्या है कांस्टेंट है ये लेना जरूरी होता है इसके पीछे बहुत बड़ा फंडा है इतना हमें जरूरत नहीं है k टाइम्स ये जनरली k की वैल्यू वन लेते हैं जनरली k की वैल्यू वन लेते हैं जब तक क्वेश्चन में ना बोल रखा हो जब तक हम k की वैल्यू वन ही मानेंगे तो अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है अगर आपको सम ऑफ रूट दे रखा है एस प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है पी तो पॉलीनोमियल कैसे निकालोगे आप इस फॉर्मुले से एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से नौ सौ बच्चों की भीड़ छट चुकी है देखते हैं आखिरी तक कितने रुकेंगे नौ सौ की भीड़ चल चुकी है तो तो अगर मैं आपसे बोलूं इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लें एक एग्जाम्पल ले लें मान लो आपको सम ऑफ रूट दे रखा है आपको सम ऑफ रूट दे रखा है टू और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है आपको माइनस वन तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो क्या सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है नहीं नहीं बहुत सारे हो सकते हैं के की वैल्यू वन ले लो टू ले लो थ्री ले लो फोर ले लो फाइव ले लो तो अनगिनत पॉलिनोमियल यू कैन फॉर्म क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर फॉर्मड

2x plus p क्या है? p है minus one तो minus one ये हमारा पॉइलोनोमियल होगा x square minus 2x minus one ठीक है ठीक है भैया ये k क्या है? k मेरी जान k मेरी जान एक कांस्टेंट टर्म है आपको इसके बारे में समझाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा कुछ काम का भी नहीं है k की वैल्यू जनरली आप one लिखते हो है ना और आप इस इसके में कुछ भी रखते रहोगे तो उतने ही ज्यादा पॉलिनोम बनते रहेंगे के की वैल्यू वन रखोगे मल्टीप्लाई करोगे एक मिल गया के की वैल्यू टू रखते अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक और मिल गया तो यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइनल फ्रॉम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भैया फोन डिस्चार्ज हो गया मेरा भी हो गया था यार मैं इसका वो चला लू ओ शेट तीन परसेंट बैटरी तीन परसेंट बैटरी मेरे को तो दिखाई नहीं देगा क्या चल रहा है पावर बैंक पावर बैंक पावर बैंक समझ गए पी क्या होता है पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला तो है मैंने बोला तो है मैंने भाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एस मतलब सम ऑफ रूट्स पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपल ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े चलो जी चलो जी दो सवाल हैं शायद अब तीन सवाल हैं तीन सवाल है फाइंड अ क्वालिटिक क्वालोमियल इजी सवाल है दो हज़ार एन का सवाल है तो एन का सवाल है जल्दी करो एन का सवाल है जल्दी करो जल्दी फार्मूला लगाओ आंसर पाओ फार्मूला लगाओ आंसर पाओ करें 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 तो फॉर्मूलास एक्स प्लस पी तो इज टू, तो मतलब सम ऑफ रूट जो है वो हमें दे रखा है माइनस थ्री प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है टू तो क्या होगा एक्स स्क्वाइनस एस क्या है माइनस थ्री एक्स प्लस पी क्या टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू दिस इज दी क्वालिटिकॉमियल है जो हमें नीड है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ठीक है ओके 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 अब ये वाला सवाल करो इफ एल्फा एंड बीटा अब देखना ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा घूम सकते हो दिमाग में ये एक्स स्क्वायर है यार एक तो ये पता नहीं क्या

जिसके जो रूट्स हैं क्या क्या हैं जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन ये दो रूट्स हैं इसके ठीक है ये दो ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स थे एक हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है तो जब भी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी जब भी हमें एक पोरिनोमियल फॉर्म करना होगा तो हमारा काम क्या होगा हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे ये प्लस ये एल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन समूट तो होता है तो भाई देखो हमारा आंसर क्या होगा फाइनल आंसर क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा हमारा एक्स स्क्वाइनस एस एक्स प्लस पी मेरे को एस और पी पता चल जाए इसमें पुट करूंगा मैं एस क्या होगा ये प्लस ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें ध्यान से सुनना एल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूटा प्लस वन और बीटा प्लस वन तो ये एल्फा तो ये प्लस बीटा प्लस टू एल्फा प्लस बीटा एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जीरो के बराबर टू तो, तो एस की वैल्यू मेरे को मिल गई टू तो यहां पर एक्स स्क् माइनस टू एक्स लिख दूंगा प्लस पी और चाहिए मेरे को

प्लस वन तो यहां से आ गया माइनस फोर तो प्रोडक्ट आ गया माइनस फोर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर इट इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अब ये पीएक्स थी तो इसे जी एक्स बोल देंगे समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए नहीं आया ना समझ में मैं कह रहा था ध्यान से नहीं देखते हो ना तुम एक बार में दिक्कत यही है मैं तुम्हें बोल रहा था तुम क्या हो एक होगाम आप में सॉल्व करने में लग गए मैंने कहा रुको देख लो देख लो देख लो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सवाल है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो जैसे ही मेरे को पता चला एल्फा बीटा इसके रूट्स हैं मैंने ये लिख दिया तो अब इसका काम खत्म अब इसका काम खत्म अब मेरे को इसका कुछ काम नहीं है अब मेरे को इस इक्वेशन का कुछ काम नहीं है अब मेरे को सिर्फ इसका काम है क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा जीरो पता चल गया अल्फा टू बीटा इक्वल टू माइनस फाइव पता चल गया बस इतना काम है मेरे का मेरा अब इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है मेरा इससे मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी वो 0 मिल गई अल्फा बीटा चाहिए था माइनस फाइव मिल गया बस अब मेरे को ऐसी इक्वेशन बनानी है एक ऐसी पोलिनोमियल बनानी है जिसके रूट जो होंगे वो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन होंगे तो अगर रूट अगर रूट थ्री और टू थे माइनस थ्री और टू थे तो तुमने क्या करा सम ऑफ रूट्स करा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करा ओके okay, नहीं हाँ सही है पता था, पता था, तो, ये लगाया। तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चाहिए तो रूट्स कैसे निकालेंगे सम कर देंगे निकल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे इन दोनों, का करेंगे, निकल गया बस इक्वेशन फॉर्म कर दी भैया पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा करा तो है जी बीजी माइनस टू कहां से आया एल्फा प्लस बीटा इक्वल तो टू माइनस टू क्यों भाई क्या कह रहे हो समझ गए ना सही तो आ रहा है सही है ना पता नहीं किस बात में कंफ्यूज करते हो ठीक है तो अगर हमें देखो इस वाली इक्वेशन का काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था इस वाली इक्वेशन का काम तो यहीं पे खत्म हो गया था बस इस इक्वेशन से मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए था खत्म हो गया काम अब मेरे को क्या चाहिए अब मेरे को ये दो रूट वाली एक इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दोनों रूट हो तो ये दोनों रूट का मेरे को सम चाहिए होगा सम निकाल लिया इन दोनों रूट का प्रोडक्ट चाहिए होगा प्रोडक्ट निकाल लिया ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल गई भैया प्रोडक्ट नहीं समझ में आया मेरी जान तुम्हें दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं करनी आती क्या एल्फा इंटू बीटा प्लस वन तो एल्फा बीटा प्लस एल्फा फिर वन को लोगे वन इंटू बीटा प्लस वन तो बीटा प्लस वन तो एल्फा इंटू बीटावल टू माइनस फाइव है एल्फा प्लस बीटा टू जीरो है और प्लस वन प्लस वन माइनस ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए चलो आगे बढ़ो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैराथन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैराथन देखो मैं फिर बताता हूं मैं आपको हर बार ये चीज बताता हूं कई बार क्या होता है क्लास में हम पीयर प्रेशर के कारण नहीं समझ पाते चीजों को बट क्लास के बाद अगर हम वापस से उस नोट्स को रिवाइज करें पांच मिनट दिया करो दस मिनट दिया करो क्लास के बाद वापस से पूरे नोट्स को गो थ्रू करो जब आप हाँ वापस से गो थ्रू करोगे आप कहोगे इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं वो क्लास में प्रेशर वजह से नहीं समझ में आ रही थी तो इसीलिए टेंशन मत लिया करो कुछ ना समझ में आए ऐसे ऐसे मत करो बिल्कुल भैया बिल्कुल नहीं समझ आ रहा बिल्कुल आएगा नहीं आएगा तो क्या हो गया फिर से आके वीडियो देख लेना वीडियो तो पड़ी हुई है चैनल पे समझ गए मेरी बात तो इसलिए टेंशन मत लिया करो टेंशन मत लिया करो बस जल्दी से लिख लिया समझ लिया हो गया अब क्लास के जाने के बाद शुरू से आप पढ़ोगे अभी अभी क्या है अभी आप सिर्फ इस पे हो जब आप रिवीजन करोगे जब आप शुरू से करोगे तो हर चीज को हर चीज को पकड़ते हुए चलोगे चलोगे पकड़ते हुए आप कहोगे यार इतना आसान था पता नहीं क्यों मैं टेंशन ले रही थी तो टेंशन मत लिया करो तेरह सौ की भीड़ छट गई है जी दस हजार से शुरू करा था हमने शुरू तो हमने नौ हजार से करा था दस हजार हो गए थे

तो अगर इसके पॉलिनोम के जीरोज एल्फा बीटा हैं, तो हमें क्या करना है हमें अब एक फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल एक क्वालिटिक पॉलिनामियल बताना है और हो. तो alpha, बीटा जो थे वो इसके रूट हमने ये निकाल लिया बस काम खत्म इस इक्वेशन का अब हमें क्या चाहिए अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स वन अपॉन एल्फा और वन अपॉन बीटा हो

अब जो हमारे लिए नए हैं, वो है one upon alpha और one upon beta. इसमें हमारे लिए जो नए थे, वो थे हैल्फा और वन अपॉन बीटा बस तो इन दोनों का सम करेंगे alpha, beta और ऊपर आएगा अब जो है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज अब जो अल्फा प्लस बीटा और इंटू बीटा इसकी वैल्यू हमें चाहिए इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी तो वो हम यहां से ले लेंगे बस सिंपल इसका काम बस ये है कि यहां से वैल्यू पुट करना इस वाली इक्वेशन तो ये तो कटा, कटा, तो हो गया माइनस बी बाई सी तो हमें मिल गया माइनस बी बाई सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चाहिए होगा अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा के बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यह जाएगा, वन अपन बीटा तो अब ये जो एल्फा बीटा की हमें नीड है बस इस नीड को फुलफिल करने के लिए हमें ये इक्वेशन दी गई थी और इसका कुछ काम नहीं था बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया फिर हम यहां से एल्फा बीटा का यूज करें बस इसलिए दिया गया था जिससे ये दो इससे ये बस ये हमें वैल्यूज पता चल जाए तो एल्फा बीटा क्या है माइनस बी हो जाएगा में माइनस बी बायो जाएगा माइनस ए को प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो पता चल गया माइनस ए बाई बी इजी पीजी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है माइनस ए बाई बी बस अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मिला है उसको पुट कर दो तो बन जाएगा एक्स स्क्वास माइनस ए बाई बी टू जीरो दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर ठीक है क्या हुआ रॉन्ग प्रोडक्ट सी बाय ए मिला था हाँ तो अच्छा सी बाय ए लिखना यहाँ पे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड प्रोडक्ट सी बाय ए मिला था ना यहां पे

अब इस को इधर ले जाएंगे तो जीरो वो जीरो हो जाएगा तो फाइनल प्लस BX प्लस A ले टू जीरो हमने भैया कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है देखो मेरी भी मिस्टेक हो गई पिछले भी हुई इसमें भी हुई इस तो गलतियां सबसे होती है आराम आराम से करो दिस इज योर आंसर अब आप समझे अब आप समझे कॉन्सेप्ट समझ गए कॉन्सेप्ट समझ गए भैया नया आईफोन कब लोगे क्या करना है मेरे को लेके यार कुछ काम होगा जब तो लूंगा कुछ काम नहीं ऐसे ही बस फालतू में ले ले हो गया जी समझ में आ गया समझ में आ गया तो फाइनल फाइनल एक बार समझा रहा हूं ध्यान से सुनना ये इक्वेशन दी थी इसके रूट सेल्फा बीटा थे यहां देखो ध्यान से मेरी बात

इसी के साथ आपकी आज इस चैप्टर की समाप्ति हम घोषित करते हैं आज आप इस मैराथन में वापस आए डे नाइन जो है आपने बहुत अच्छे से पूरा करा तीन काम आपके जो होंगे वो होंगे पहला आपका यही कि रिवाइज कर लेना अच्छे से नोट्स जिसको अभी नहीं समझ में आए लास्ट वाले क्वेश्चन मेरे को पता है बच्चों को दिमाग में ऐसे होता है कि नहीं समझ में आ रहे बट आप घर पे बैठ के अभी वापस देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है हम ऐसे जल्दी जल्दी करने की सोचते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन में कॉल्टिक में करवाता हूं तो रिवाइज एनसीआर टी सेकेंड वाला सेकेंड वाला सेकेंड वाला आपको पता है क्या की एनसीआर कंप्लीट एनसीआरसी में बस मिडल टर्म फ्लिट जहां पे आपको आएगा ना कि फाइंड द रूट ऑफ क्वालिटी वो वाले एक दो तीन क्वेश्चन है एग्जाम्पल में वो छोड़ देना बाकी दो एक्साइज छोटी छोटी से कर दोगे थर्ड 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 इज योर डू पीवाई क्यूज पी वाई क्यूज मैंने काफी यहां पर कवर करवा दी है बट अगर आपको लग रहा है कि आपको और करने हैं तो आप पीवाई भी कर सकते हो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं तब तक के लिए वही पढ़ना है फोड़ना है कहर मचा देने आग लगा थैंक यू सो मच आपने सक्सेसफुली डे नाइन देखते हैं कितने बच्चे एंड तक थे बताना मेरे को कमेंट्स करके तो आपने सक्सेसफुली डे नाइन कंप्लीट कर दिया है इसी के साथ हमारा आज की इस पूरे लेक्चर की समाप्ति हम कोशिश करते हैं आज के इस मैराथन की हम समाप्ति करते हैं कल हम उठाएंगे पेयर ऑफ लेनर इन टू वेरिएबल्स वो भी ऐसे ही आसान आसान सा सा सवाल है चैप्टर है फिर उसके बाद आता है कॉलिटिक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला फिर आता है एपी थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला फिर तो प्रोबेबिलिटी प्रयोरिटी स्टैटिस्टिक मजाक ठीक है ठीक है जी बाय बाय गुड नाइट मिलते हैं कल वाली क्लास में इसी समय नौ बजे आप सभी के साथ और आज थैंक यू सो मच आप वापस से करीब हमने दस हजार बच्चों दस दस साढ़े दस हजार बच्चों का नंबर आज हमने टच करा कल भी हम इतने पूरे संख्या में मिल रहे होंगे एंड डेट तक चौदह तारीख मतलब चौदह दिनों तक तीन तारीख तक हम सब ऐसे ही मिलकर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करेंगे बस है ना टेंशन मतलब शोभित भैया साथ हैं तो डरने की क्या बात है मिलते हैं कल वाली क्लास में बाय बाय गुड नाइट बाय 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 लव यू टू जी लव यू टू बाय 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 बाय